नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल योगा लाइफ में। मैं हूं उजाला कटारिया, आपकी योगा टीचर। आज आप देख रहे होंगे कि मैं पहले ही कुर्सी पर बैठी हूं और कुछ मैंने अपने नीज पे बांध रखा है। तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा, हमें नी को कैसे स्ट्रेंथन मजबूत करना है, नी की स्ट्रेंथनिंग कैसे करनी है, उसमें मैं तीन एक्सरसाइजेज आज बताने वाली हूँ। नी पेन ऑलरेडी हो रहा है उसमें भी ये हेल्पफुल है। जिनके नीज वीक हैं, थोड़ा सा चलने पे या खड़ा रहने से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा दर्द महसूस होने लग जाता है, आराम करने के बाद ठीक हो जाता है, घुटने कमज़ोर हो चुके हैं, तो उनके लिए भी ये तीन एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी हैं। ठीक है, पेन है नहीं है, दोनों ही कंडीशंस में हम इनको कर सकते हैं। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, अब आप देख रहे होंगे कि मैंने अपनी नीज पे कुछ बांध रखा है। ये जो मैंने बांधा है ये थोड़ा स्ट्रेचेबल है, तो जब मैं इसको ऐसे खींचूंगी तो खिंच जाता है। तो आपको भी कुछ ऐसा ही स्ट्रेचेबल रबड़ ये एक्सरसाइज वाला बैंड होता है, बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में भी, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है ये। तो इसको अगर आप यूज़ करके एक्सरसाइज करेंगे ये बहुत काम आता है, और भी काफ़ी एक्सरसाइजेस करने में ये हमारी हेल्प करता है, काम आता है। तो देखो मैंने इसको किस तरह से बांधा, आप ध्यान से देखिए ज़रा। मेरे पैरों के बीच में गैप है, मेरे घुटनों में भी गैप है। ये गैप कितना है, हिप डिस्टेंस है, हिप जितना, बिल्कुल राइट हिप के सामने राइट वाला नी, नी के सामने बिल्कुल पैर, लेफ्ट हिप के सामने लेफ्ट वाला नी, नी के सामने बिल्कुल पैर। बहुत ज़्यादा भी नहीं खोलना है, बहुत पास भी नहीं रखना है नीज को। ये हो गया इतना, यहाँ पर हमने इसको गांठ लगा ली। ठीक है, तो पहली दो एक्सरसाइजेस चेयर पर बैठ के हैं, ध्यान से देखेंगे। अभी सबसे पहले क्या करना है, आराम से पीछे होके बैठना है, पीछे जो सहारा सपोर्ट बनी होती है उसके साथ लग के बैठो। ठीक है, इसको ऐसे ही बंधा रहने दो, स्टार्टिंग में इसको बांध लो। अब क्या करेंगे धीरे धीरे, अब देखो पैर ऐसे था, पूरा पैर नीचे था, अब एड़ी पे आ गए। एड़ी पे आने के बाद पंजे को मैंने उठा दिया ऊपर की तरफ, ध्यान से देखिएगा, उठा हुआ, कमर को आराम से पीछे रखिए कंफर्टेबल होके। अब धीरे धीरे अपना एक पैर उठाइए, इतना उठता है, कोशिश करनी है और कितना ये उठ सकता है। जो थाई है उसको नहीं उठाना है, वो चेयर के साथ लगी हुई है, जो जितना पोर्शन चेयर के साथ है ना उसको उसके साथ चिपका के ही रखना है। और पैर देखो ऐसे बाहर की तरफ नहीं रखना है, पूरा अंदर की तरफ। यहाँ पे 2 या 5 सेकेंड रुकिए, धीरे से वापस अपनी एड़ी नीचे रखिए, फिर दूसरी टांग, पैर बिल्कुल अपना अंदर की तरफ, फ्लेक्स्ड फुट बोलते हैं इसको, फ्लेक्स अंदर की तरफ मुड़ा हुआ, फिर वापस नीचे 3 से 5 सेकेंड रुकते हुए, वापस 4, वापस 6 7 8 9 10, ये ठीक है, बिल्कुल सीधा करने की कोशिश और पैर पूरा टाइट, धीरे से वापिस। मैंने 10 बार किया है, आपको कम से कम 30 बार करना है, 30 times, और मैक्सिमम कितना जा सकते हैं 50 तक, 30 से 50 के बीच में आपको जितना आराम से हो पाए आप कीजिए। ये हुई पहली एक्सरसाइज, बहुत सिंपल है, कुर्सी पर बैठ के आराम से करनी है। दूसरी, अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, आगे की तरफ, इस तरह से आधी कुर्सी पर आ गए हम। ठीक है, अब पैर बिल्कुल घुटने के नीचे, ऐसे अंदर की तरफ रख के नहीं बैठना है, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकालना है, बिल्कुल घुटने के नीचे। ठीक, अब थोड़ी ताकत लगानी है, पैर जितने डिस्टेंस में है उतने डिस्टेंस में ही रहेंगे, उनको कुछ नहीं छेड़ना अब। ठीक है, अब हम ताकत लगाते हुए घुटनों को दूर दूर करने की कोशिश करेंगे, खींचो खींचो जितना हो पाए, और फिर धीरे से वापस ढीला छोड़ दो। ब्रीद इन, सांस लो, खोलो, ब्रीद आउट, वापस ब्रीद इन, फिर खोलो, ब्रीद आउट, वापिस, 3 बार हो गया, 4, वापिस। ये करते करते ना पैर ऐसे होने की कोशिश करेगा, आपको पैर को जमा के रखने की कोशिश करनी है, जितना जमीन के साथ लगा रहे, 5, वापिस 6, वापिस 7,
वापिस। अच्छा, अभी क्या होगा, हो सकता है ऐसे बैठे बैठे ये करना थोड़ा मुश्किल लगे, तो हम यही सेम चीज सीधा लेट के भी कर सकते हैं। देखेंगे मेरी तरफ ध्यान से, चेयर को हम करते हैं एक साइड पे। ये आपको क्या करना है, सीधा लेटना है इस तरह से, ये बेड पे लेटे अपने, टांगे मुड़ी हुई रखनी है, ठीक है, वही उसी तरीके से इसको बांध के रखना है बिल्कुल। अब आराम से करो, हाथ नीचे रख दो, अब अच्छे से पूरी ताकत लगाते हुए नीज खोलो, दूर दूर लेके जाओ कितना जा सकते हैं, और फिर धीरे से वापस लेट के, बहुत अच्छा, थोड़ा बेटर होता है तो लेट के कोशिश कीजिएगा। पहली एक्सरसाइज चेयर पे कर लो, फिर ये लेट के, फिर खोलो और धीरे से वापस, एकदम खोल के एकदम ऐसे नहीं करना, झटका नहीं देना उसको, धीरे धीरे खोलना है और धीरे धीरे ही वापस नॉर्मल पोजीशन में लाना है, जोड़ना नहीं है आपस में। पांच बार और करेंगे, वन वापस, टू वापस, थ्री वापस, फोर वापस, फाइव और वापस, ठीक है। तो ये हो गई हमारी दो एक्सरसाइजेस। अब इसको खोल के एक साइड पे रखेंगे। अब इसका उल्टा करना है, अभी हम बाहर खोलने पे पूरी ताकत लगा रहे थे, अब एक दूसरे की तरफ लाने पे, तो घुटने को घुटने के साथ नहीं जोड़ना है, बीच में हम रखेंगे पिलो या बोलस्टर, इसे बोलस्टर बोलते हैं, ये रख सकते हैं, आपके पास ऐसा नहीं है पिलो रख सकते हैं, थोड़ा मोटा होना चाहिए पिलो ताकि बीच में स्पेस बनी रहे, ठीक है, घुटने बहुत ज़्यादा पास ना आ जाए, तो ये रख दिया। अब दबाने पे, पूरी ताकत इसको दबाने पे लगानी है। चलो स्टार्ट करते हैं, पैर वही देखो, सेम टू सेम है ना पैर, ना बहुत बाहर गया है ना बहुत अंदर आया है, बिल्कुल घुटने के नीचे, ये ध्यान रखना है। हाथ नीचे रखो, पूरी ताकत से पिलो दबाओ, ये ज़ोर से दबाया और ढीला छोड़ दिया, फिर दबाया, पूरा दबाओ ताकत से और ढीला छोड़ दिया, कंटिन्यू, थ्री रिलीज, फोर रिलीज, फाइव रिलीज, सिक्स रिलीज, ताकत लगानी है, सेवन रिलीज, एट रिलीज, नाइन रिलीज और टेन रिलीज। मैंने ये भी 10 बार किया, आपको इसे भी कम से कम 30 बार करना है। बहुत ही तीनों एक्सरसाइजेस बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताई हैं और बहुत ही धीरे धीरे करके भी बताई हैं, तो आपको भी धीरे धीरे ही करना है। जितना आप स्लो करोगे, आपके मसल को समय मिलेगा, उसकी स्ट्रेंथनिंग होने पे अच्छा हम समय लगा सकते हैं, तेज़ तेज़ करने से बहुत ज़्यादा रिजल्ट जल्दी नहीं मिलने वाले हैं। तो इन तीनों चीज़ों को आप लगातार करके देखिए, आप खुद अपनी टांगों में और घुटनों में थोड़ा उनको मजबूत होता हुआ महसूस कर पाएंगे कि हाँ थोड़ी ताकत आ रही है टांगों में। हर बंदा कर सकता है, अगर आप ज़मीन पे बैठ के नहीं करना है, चेयर पे करना है और लेट के करना है, नीचे बैठने वाला कोई काम ही नहीं है। तो बुजुर्ग लोग हैं जो जिनके घुटनों कमज़ोर होते चले जा रहे हैं एज के साथ साथ, वो भी ज़रूर करें, यंगस्टर्स भी करें, ताकि आने वाले समय में हमारे घुटने स्वस्थ रहें। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। योगा लाइफ आप यूट्यूब के साथ साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका धन्यवाद।